हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ भंडारे वाली आलू टमाटर की सब्जी। और इसके लिए मैंने यहाँ पे चार टमाटर, एक अदरक को कद्दूकस करके रख दिया है और चार हरी मिर्च को भी काट के रख दिया है। यहाँ मैंने 8 उबले आलू लिए हैं और 2 चम्मच यहाँ मैंने बेसन लिया है। अब कुकर में थोड़ा सा घी डालेंगे, फिर थोड़ी सी हींग डालेंगे, 1 चम्मच जीरा डालेंगे, फिर 1 चम्मच हम राई डालेंगे। जब राई चटकने लग जाएगी तब इसमें टमाटर, अदरक, हरी मिर्च डाल देंगे, फिर 2 चम्मच बेसन डालेंगे। अब हम इसमें 1 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, 2 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे, थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ी सी लाल मिर्च डाल के थोड़ा सा पानी डाल के मसाले को पकने देंगे। जब मसाला पक के तैयार हो जाएगा तब इसमें अमचूर पाउडर और स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। यहाँ मैंने 2 चम्मच नमक डाला है। फिर हम इसमें उबले आलू डालेंगे जिसको मैंने मैश करके रख लिया है। फिर 1 गिलास पानी डालेंगे, फिर इसमें 1 गली गुड़ की डाल के फिर 4 सीटी आने तक सब्जी को पकने देंगे। 4 सीटी आ चुकी है, हमारी सब्जी भी बनके तैयार है। अब हम इसमें थोड़ा सा कसूरी मेथी डालेंगे, फिर थोड़ा सा हम धनिया डालेंगे। हमारी सब्जी सर्व करने के लिए तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा।